बैक टू द फ्यूचर में होवरबोर्ड का सीन तो आपने देखा होगा, लेकिन एक उड़ने वाला होवरबोर्ड रियल लाइफ में है जिसे आप आज की इस वीडियो में देखेंगे। एंड इसके अलावा भी बहुत सारे सुपर एडवांस एंड चौंका देने वाले गैजेट्स और इन्वेंशंस। तो आज के गैजेट से मिलने के लिए हो जाइए तैयार। तो गाइज आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं ड्रैगन फैंटेसी फिंगर ब्लेड से। गाइज नाइफ और ब्लेड आपने बहुत सी अलग अलग तरह की देखी होंगी, मैंने भी आपको काफ़ी अलग अलग तरह के ब्लेड दिखाई हैं, लेकिन उन्हें यूज़ करने के बाद हम अपनी पॉकेट में या फिर कहीं रख देते हैं। लेकिन इस यूनिक ब्लेड की बात करें तो ये वियरेबल, यानी आप इस ब्यूटीफुल से ब्लेड को अपने उंगलियों पर पहन सकते हैं। वैसे इसका तो नाम ही ड्रैगन है, तो इसमें आपको एक ड्रैगन जैसा हिस्सा भी देखने को मिल जाएगा। ये काफी शार्प रहती है एंड छोटे मोटे काम को करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे पहनने के बाद आप अपनी फिंगर को भी फोल्ड कर पाएंगे और बिल्कुल फ्रीली मूव भी कर पाएंगे। तो अगर आपको भी ऐसा ही यूनिक एंड ब्यूटीफुल ब्लेड पसंद है तो ये ब्लेड भी आपको काफी पसंद आएगी। द लक्स एलेक्स। नॉर्मली तो लोग स्केटबोर्ड को लेकर यही सोचते हैं कि उन्हें सिर्फ प्लेन रोड पर ही चलाया जा सकता है, लेकिन बात करें इस लक्स एलेक्स की तो ये गेम चेंजर है गाइस। ये एक बहुत एक्सट्रीम ऑफ रोड इलेक्ट्रिक बोर्ड है, यानी कि इसको सिटी के रोड के अलावा ऑफ रोड के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पथरीले रास्तों में या फिर किसी भी टफ रास्ते में ये काफी इजिली चल लेता है, वो भी काफी फास्ट। ये काफी लॉन्ग होता है, स्पीड में चलते हुए भी ये काफी स्टेबिलिटी के साथ चलता है, जिससे आप राइड करते वक्त काफी कॉन्फिडेंट रहेंगे। आप अपनी नीड के हिसाब से इसके टायर को भी स्विच कर सकते हैं। इसके मेन प्लेटफॉर्म की फुट ग्रिप बहुत अच्छी होती है, जिससे आप टफ टेनिस में इसे चला पाएंगे, तब आपकी राइडिंग स्टेबिलिटी इससे बनी रहेगी। अलवा हैंड्स फ्री लाइटिंग। दोस्तों टॉर्च एक ऐसा टूल है जो सभी के घरों में होता है और कभी ना कभी इसकी जरूरत तो पड़ ही जाती है। हालांकि दोस्तों आजकल टॉर्च को रिप्लेस कर दिया है मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट ने, लेकिन अगर आप कहीं ट्रैवल करने के लिए बाहर जाते हैं तो आपके पास टॉर्च का होना जरूरी हो जाता है। दोस्तों आप वहां पर इस तरीके की छोटी सी मिनी टॉर्च को अपने साथ कैरी कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो टॉर्च साइज में बड़ी होती है, जिसे कि थोड़ा सा कैरी करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, लेकिन अगर इस मिनी टॉर्च को आप अपने साथ कैरी करते हैं तो साइज में देखा जाए तो ये छोटी सी की चैन की तरह होती है, जिसे कि आप इसके साथ मिले रिस्ट बैंड की हेल्प से भी अपने हाथों में पहन सकते हैं। साथ ही आपको इसमें अलग अलग तरह के अमाउंट्स भी देखने को मिल जाएंगे, जिसे कि आप इसे की चैन की तरह भी यूज कर सकते हैं। ये एक रिचार्जेबल टॉर्च है जिसे आपको मोबाइल फोन वाले चार्जर से चार्ज करना होगा, जिसके बाद आप इसका इस्तेमाल इजीली कर सकते हैं। अगर आप किसी एडवेंचरस ट्रिप पर जा रहे हैं तो इसका रिस्ट बैंड वाला माउंट काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा, क्योंकि यह डायरेक्ट फोकस करता है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, यानी कि काम करते करते आपको जगह पर रोशनी भी देखने को मिल जाएगी, जिससे कि काम करना और भी आसान हो जाएगा। तो काफ़ी कमाल का फीचर देखने को मिल गया है इस छोटी सी टॉर्च में, जो कि मुझे भी पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी है। दोस्तों अगर आप चाहें तो इसके कलर को भी अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, ये आपको एक एडिशनल ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये छोटी सी टॉर्च कैसी लगी। की बैग। दोस्तों बैकपैक का इस्तेमाल तो हम सभी लोग करते हैं, लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा बैकपैक दिखाने वाला हूं जो कि खास तौर पर ऐसी चीज़ों को रखने के लिए बनाया गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा नाजुक होती है, क्योंकि दोस्तों इसका ऊपरी हिस्सा हार्ड सेल से बना होता है जो कि काफ़ी मजबूत होता है, और इसमें अगर आप ऐसी नाजुक चीज़ों को रख कर कैरी करते हैं तो आप बहुत हद तक इंश्योर हो सकते हैं कि आपकी चीज़ सेफ एंड सिक्योर रहेगी। वहीं दोस्तों कैमरा जैसे एक्सपेंसिव गैजेट को भी आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसकी कमाल की खासियत ये होती है कि इसका जो हार्ड सेल होता है उसके पीछे की तरफ एलईडीज लगी होती है जो कि अलग अलग कलर में ब्लिंक करती है, और उन्हें आप अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। और इस गैजेट के साथ आपको एक मोबाइल ऐप सपोर्ट के लिए देखने को मिल जाएगा, और उसमें ढेर सारी एनिमेशंस देखने को मिल जाएगी इसे जलाने के लिए। अगर आप चाहें तो इसमें किसी तरह के कस्टमाइज मैसेज को भी डिस्प्ले कर सकते हैं। ये सारी चीजें इस बैग को खास तो बनाती ही है, और इस बैकपैक की मजबूती और लुक अपने आप में ही एक कमाल की चीज है। तो गाइस कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको सबसे बेहतरीन गैजेट कौन सा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में और भी ज्यादा अमेजिंग गैजेट के साथ।